भाई लोग नमस्कार सलाम आदाब। एक नया फिर से एक नया ब्लॉग में ब्लॉग वीडियो में। तो भाई आज सुबेरे सुबेरे जगनी अब लग गए बहुत बढ़िया से भूख। तो चल जा फ्रीज में देखल जा का चीज है सब्जी में। चल देखल जा जो भी सब्जी में हो यही कि बनावे के आज। तो भाई पालक है और मूली है, टमाटर भी दिख रहा है, धनिया भी दिख रही है। तो आज बनाएंगे हम पालक और आलू। तो फाइनली पालक को धुलते हैं, पालक को धुल के इसके बाद हम लोग काटते हैं। तो दो आलू है, दो प्याज है, दो टमाटर है, लहसुन है और अदरक है और मिर्चा है। पालक है हमारा साइड में। तो फाइनली धीरे धीरे पतला पतला एकदम छोटा छोटा पतला पतला काटना है भाई पालक। अगर पतला पतला नहीं रहेगा पालक तो भैया आपका पालक गलेगा ही नहीं, तो खाने में मजा आएगा ही नहीं। तो भैया हल्का हल्का धीरे धीरे आप लोग प्यार से इज्जत से एकदम पतला पतला काट लीजिएगा जैसे हम काट रहे हैं। हम खुद सीख रहे हैं भैया, हम आप लोग को सिखा नहीं रहे, हम खुद सीख रहे हैं बस। हम आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए इसे बनाया जाता है। अबे साले, तो फाइनली सब सब्जियां कट चुकी हैं और ये है सब मसाले जो कि इसमें पड़ेगा। कढ़ाई भी गर्म हो रही है हल्की हल्की। तो फाइनली कढ़ाई गर्म हो चुकी, इसमें डालते हैं सरसों ऑयल। सरसों का तेल इसमें जाने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें खड़ा मसाला। खड़ा मसाले में जैसे कि आपका हो गया जीरा, हो गया लाल मिर्च, हो गई, अच्छा बस यही है, यही डाले ही है, थोड़ा सा जावित्री है। इसको गरम करेंगे, गरम करके डाल देंगे प्याज। प्याज को भी, प्याज जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको, प्याज को इसी में पकाएंगे। पका रहे हैं भाई, हम पका रहे हैं, आप लोग नहीं पकाएंगे, हम पकाएंगे, हम पका रहे हैं। तो जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। फाइनली हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेंगे आलू। आलू भी पकाएंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाता हमारा आलू। आलू को भी ब्राउन करना है। प्याज तो हमारा ब्राउन हो ही चुका है। फाइनली आलू भी हमारा ब्राउन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें डालते हैं लहसुन का कटा हुआ लहसुन डालते हैं, बारीकी कटा हुआ। अदरक बारीकी कटा हुआ डालते हैं, डालते नहीं, डाल दिए भाई। इसको चलाएंगे थोड़ा। भाई ये मेरा पहला ब्लॉग है कुकिंग वाला, आप लोग यार हंसिएगा नहीं, ठीक है? लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। फाइनली क्या कलर आया है भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग, कलर ब्यूटीफुल कलर ब्रदर। इसमें डालते हैं टमाटर। अरे भाई चाना चिपक चिपक गया इसी में। फाइनली टमाटर डाल के इसको थोड़ा चलाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे, अभी नहीं बताएंगे, बता दें क्या, चलिए बता दे रहे हैं। अब डालेंगे इसमें हल्दी और नमक जो कि अभी डालेंगे। इसमें जाएगा अब हल्दी, फिर जाएगा इसके बाद नमक। हल्दी नमक जाने के बाद इसको थोड़ा पकने देते हैं टमाटर को। टमाटर जब गल जाएगा तब मज़ा आएगा। फिर इसके बाद डालेंगे हम बारीकी कटा हुआ हरा मिर्च। आप स्वाद अनुसार अपने डाल सकते हैं, आपको कितना तीखा खाना है कितना तीखा नहीं खाना है। अगर घर में बच्चे हैं तो बारीकी ना काटें, स्लाइस में काट के डालें मिर्च, या तो फिर फाड़ के डाल दें। मैं तो भाई सिंगल हूँ इसलिए हमको चिल करना है, तो इसीलिए चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डाले हैं बारीकी काट के। फाइनली इसको चला देते हैं भाई। चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च।
काश्मीरी लाल मिर्च डालने से ये होता है कि एकदम लगेगा भी नहीं आलू ना, आलू भी लगेगा कि ब्राउन हो गया है, वाइट वाइट भी लगेगा ब्राउन हो गया है। लाल के लिए है, बस लाल करना है इसको भाई। कलर तो भाई लाजवाब लग रहा है हमारे सब्जी का। फाइनली इसको पकाएंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे, आलू कढ़ाई को ना पकड़े। फाइनली पक के तैयार हो गया है हमारा आलू। अब इसमें डालेंगे हम लोग बारीकी कटा हुआ पालक, जो कि आलू को कढ़ाई को पूरा एकदम कवर कर देंगे। इसको ऊपर ही रहने देंगे, चलाएंगे नहीं, चलाना नहीं है। फिर डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालें। धनिया पाउडर तो पड़ चुका, अब डालते हैं इसमें सब्जी मसाला। अरे यार किधर गया, हाँ आ गया, मिल गया। सब्जी मसाला डालने के बाद कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आप लोगों ने हमको कुछ नहीं करना है, हमको चलाना ही नहीं है, किसी को भी नहीं चलाना है। ऐसे ही इसको कवर करना है नियर अबाउट 3 मिनट तक। इसको 3 मिनट कवर करने के बाद, 3 मिनट जब हो गया, तो भाई ये है हमारा प्याज, इसी से हम उतारते हैं और रखते हैं। फाइनली जो भी साग है वो पानी छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का पानी छोड़ रहा है, अभी पूरा नहीं छोड़ा है, हल्का हल्का छोड़ा है। भाई कलर तो लाजवाब एकदम लग रहा है भाई, धांसू कलर लग रहा है। क्या कलर खिल के आया है भाई, क्या लगता है खाने में भी ऐसा ही रहेगा? चलिए इसको पकने दीजिए, इसको फिर कवर करते हैं 2 मिनट। 2 मिनट कवर करने के बाद पानी पानी छोड़ा है, हल्का फुल्का पानी छोड़ा है। फाइनली अब तैयार हो चुका है हमारा आलू पालक, देखिए कैसा लग रहा है, एकदम तैयार हो गया है, तो इतना खूबसूरत भाई। क्या यार आज मैं बना दिया पालक आलू की सब्जी, पालक आलू की सब्जी, नाइस गाइस। अब बनाएंगे हम लोग रोटी। रोटी के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा आटा, जो कि आटा हम ले चुके हैं, बनाना पड़ेगा। अब इसको गूंद के बनाना पड़ेगा, गूंद भी दिए हैं भाई, आटा गूंद चुका है, अब बनाएंगे, बनाना है हमको एकर, लोई। एकर, 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 एकर। लोई भी बना दिए हैं, एकर अब भाई, लेके एकर चलते हैं है। इसको गैस के पास। भाई साहब इसको बोलते हैं कि गैस के पास भी आ गए हैं, अब बनाते हैं भाई रोटी। क्या लगता है ये रोटी खिल पाएगा? इसको खिलाना है। ओ भाई खिल तो गया, अरे भाई जहर, देखे रोटी बना दी ना भाई, इतना गोल 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 सा, ये देखो तो। भाई साहब रोटी भी बन के तैयार हो गया है हमारा, नियर अबाउट अभी 6-7, अभी 6 और बनाना है, 6-7 और बनाना है, तो धीरे धीरे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये भाई लास्ट है, सब बन चुका है, ये लास्ट है, अब इसी को बनाना है, ये आखिरी रोटी है हमारी। भाई सब रोटी अच्छे से बनी है, बस यही नहीं बन पाई, यही नहीं खिल पाई है, मगर ठीक है, सही है, जो भी है। पहले हम पहले के हमारे बाबा दादा लोग कहते थे कि मर्द का बनावल या तो बर्दे खाला या तो मर्दे खाला, बस यही है दोस्तों। फाइनली बन के तैयार हो गया है हमारा साग और आलू, ये है प्याज, ये है मिर्च का अचार, नींबू है, और ये है हमारा मूली। और फाइनली इसमें डालते हैं ऊपर से नींबू का रस, 2-4 10 बूंद। फिर इसके बाद हम लोग लेंगे इसका टेस्ट,
देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो ये लिए रोटी, इसको झाड़े थोड़ा सा, फिर ये हमारी पहली बाइट। जय हो, देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। भाई फर्स्ट टाइम बनाया है भाई खाना, फर्स्ट टाइम, नहीं तो मुरली ढाबा से मंगा के खाते थे। थोड़ा सा प्याज लेते हैं भाई साहब, ओपी यार जहर भाई, मस्त लग रहा है, मस्त बना है खाना, खा के दिल झूम उठा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।